तो फ्रेंड देख सकते हैं इसमें टोटल ये मार्किंग हो गया और इसमें जो है कितना पीस रेडी हुआ है, एक पीस, दो पीस, तीन पीस, चार पीस, और एक इसमें आएगा आपका जो पांचवा पीस रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप सीधा मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे एक पांचवा पीस हो जाएगा। ये पांचवा पीस में गिनती आएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच पीस हो गया, और ये चार कट में कटिंग हुआ है, एक कट, दो कट, तीन कट, चार कट, और एक पीस इधर आ जाएगा जो पांचवा पीस हो गया है। 1 2 3 4 5 पीस और चार कट में ये मार्किंग हो गया है। अब इसमें ये आपको देखना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे, सीधा लाइन इस तरीका से हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं अब आपको क्लियर समझ में आता होगा कितना पीस हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ पे स्ट्रेट पीस है जो इसको कटिंग नहीं करना है, सिर्फ इस तरीका का मार्किंग करना है ताकि यहाँ से जो हमारा बीच में जो पाइप जो बच रहा है उसका डायमेंशन हम निकाल पाए। तो मान के चलिए कि आपका एल्बो सेंटर से और दूसरे एल्बो सेंटर तक, जैसे आप लिख रहे हैं इस एल्बो सेंटर से इस एल्बो सेंटर का डायमेंशन हमने 500 लिया है, तो इसमें क्या करेंगे कि एल्बो सेंटर माइनस कर देंगे दोनों तरफ का 152, 152, तो इसमें पाइप का जो डायमेंशन है 95 mm बचता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और इसी तरीका से लाइन जो है 95 mm पर हम मार्किंग कर देंगे दोनों साइड में। 152, 152 एल्बो सेंटर माइनस करने के बाद 95 mm का पाइप बच रहा है, तो इसी तरीके से हम दो जगह मार्किंग कर देंगे और इसमें एक और राउंडिंग हम मार देंगे ताकि पता चले कि हमारा पाइप कहाँ तक है, और इसमें जितना इधर बचेगा उसमें भी फिर हम इस तरीका का मार्किंग करके आपको दिखाएंगे कि कैसे मार्किंग करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीका से राउंडिंग मार लेते हैं। इतना ही बीच में पाइप बचेगा और दोनों साइड एल्बो बनेगा, तो इसमें जितना हमारा कट निकलेगा हम निकालेंगे। तो अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान देना है आपको, ये जो बॉटम जो लिखा हुआ है इधर, हम जो बॉटम मार्किंग कर सेंटर पंच हमने मारा है, ये बॉटम सेंटर पंच, तो इधर ये एल्बो मुड़ेगा जब आप इसको घुमा के कटिंग करके फिटिंग करेंगे हम, तो ये एल्बो जो है इधर मुड़ेगा। अब दूसरा एल्बो जो है आपका उसको इस तरफ मोड़ना है, क्योंकि एक मैं आपको टेम्पलेट भी मोड़ के दिखा देता हूँ कि एक जो है हमारा ये जो एल्बो है, अभी जब हम यहाँ से बैंड करेंगे, ये जो बॉटम लिखा हुआ है तो ये यहाँ से इस तरीका से बैंड हो जाएगा बॉटम के अंदर से। अब बॉटम के अंदर से बैंड करने के बाद अब इसका जो है एक ऊपर के तरफ यहाँ पे बैंड करना है, यहाँ पे इस तरीका से एक ऊपर ऐसे बैंड होगा, तब जाकर जब ये लगेगा तो जब लाइन उसमें लगेगा तो इस तरीका से एक एल्बो जो है आपका इधर चला जाएगा और एक जो है एल्बो आपके तरफ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीका से ये रहेगा, एक एल्बो जो है इस तरफ चला जाएगा और एक एल्बो हमारे तरफ आ जाएगा, इसी तरीका के यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीका से ये जो बॉटम में जो है इस तरीका का मुड़ेगा यहाँ पे, और हमको एक और एल्बो अब ऊपर के तरफ यहाँ पे बनाना है। तो इस तरीका से हम यहाँ पे यहाँ से इस सेंटर से 1 2 3 4 यानी कि चौथा लाइन पर एक और हम यहाँ पे सेंटर पंच मार्किंग करेंगे इधर साइड में। तो ये जो सेंटर पंच है यहाँ पे ये नहीं रहेगा, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम काट देते हैं कि ये जो है सेंटर पंच नहीं है, इसमें हम रेड कलर का लाइन मार देते हैं ताकि पता चलेगा कि हाँ ये नए एल जो सेंटर पंच है ये नहीं है, इसे हम काट देते हैं। यहाँ पे जो हमने ये मारा था इसे नहीं मारना है, इसको हम ऐसे काट देंगे, इसको हटा देते हैं। अब आपका बॉटम यहाँ पे आ जाएगा। एक ही पाइप में मार्किंग करने का तरीका मैं आपको इसीलिए ये बता रहा हूँ, एक ही पाइप में कैसे आप मार्किंग करेंगे। एक बॉटम यहाँ आ गया और दूसरा एक बॉटम यहाँ आ गया, जिधर बॉटम रहेगा उधर ही ये पाइप मुड़ेगा, तो हम इसमें अब पॉइंट मार्किंग कर देंगे इस तरीका से, सेंटर पंच हम यहाँ पे मार देंगे, ये हो गया, और यहाँ से फिर 1 2 3 4 ये हो जाएगा आपका टॉप साइड, फिर यहाँ से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 हो गया, तो इधर 1 2 3 लाइन बचेगा और इधर भी 1 2 3 लाइन इधर बचेगा, तो ये हो गया आपका टॉप साइड का, यहाँ पे लिख देंगे हम टॉप, और इसमें भी हम सेंटर पंच मार्किंग कर देंगे इस तरीका से, ये हो गया हमारा टॉप साइड, और यहाँ तक आपका माइटर जितना बन जाए उतना हम इसमें बनाएंगे, एक दो जितना पीस निकल जाए, और बाकी पीस हम दूसरे पाइप में से भी निकाल सकते हैं, और इसी तरीका से जैसे इसमें हम मार्किंग किए हैं वैसे ही इसमें भी हम मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता ही दिया हूँ
कि C1, C2, साइड पीस से आप देख सकते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 इसी तरीका से मार्किंग करना है ये साइड पीस के लिए। और मिडिल पीस में जो मार्किंग करेंगे तो आपको यहाँ से शुरू करना है बॉटम से, हमेशा ये आपका बॉटम साइड से शुरू होता है। तो जब टॉप का जहाँ पे ख़त्म हो रहा है फिर हम वहीं से बॉटम का शुरू करेंगे। तो बॉटम में आपको मिडिल पीस मार्किंग करने के लिए आपको मैं बता ही दिया कि जो C1 डायमेंशन दिया गया है C1 डायमेंशन इंटू 2 करते जाना है पूरा। आपको मार्किंग करेंगे अब इस साइड से, पहले एक साइड पीस होगा उसके बाद टॉप पीस होगा और एक टॉप पीस निकलेगा तो वो भी हम निकालेंगे। तो हमने जो यहाँ पे बॉटम अब लिखा है तो यहाँ पे हम बॉटम का मार्किंग करेंगे। 200 से पकड़ते हैं यहाँ पे और बॉटम का दे रहा है सबसे पहला, यहाँ पे इंटू 2 नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे साइड पीस मार्किंग हो रहा है सबसे पहला वाला, तो इसमें दे रहा है 18 mm। तो हम यहाँ पे 18 mm मार्किंग कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे दे रहा है, ये हो गया आपका C1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका C2। तो C2 में दे रहा है 19 mm, ये 19 mm हो गया। उसके बाद C3 में दे रहा है 22 mm, यहाँ पे ये 22 mm हो गया। ऐसे ही मार्किंग आपको करते जाना है। ये हो गया 3, अब आपको मारना है C4 में, तो C4 में 25 mm दे रहा है, तो यहाँ पे ये 25 पर मार्किंग हो गया, ये हो गया 4। उसके बाद C5 में दे रहा है आपका 30 mm, तो यहाँ पे ये 30 mm हो गया 5 नंबर। उसके बाद आपका यहाँ पे C6 में दे रहा है 34 mm, तो यहाँ पे ये 34 mm हो गया। इसी तरीका से मार्किंग करते जाना है टोटल। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस पाइप में जो यहाँ सक यहाँ पे एक इधर में एल्बो जो है पूरा रेडी हो गया था और यहाँ पे पीस जो बच रहा है दोनों एल्बो सेंटर माइनस करने के बाद, और इधर जो पीस बच रहा है इसमें एक साइड पीस और दो मिडिल पीस बन चुका है और ये स्क्रैप है एक, और ये दूसरा पाइप में हम साइड पीस और मिडिल पीस का मार्किंग कर लिए हैं जिसमें आपका 1, 2, 3 मिडिल पीस और 2 साइड पीस देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 पीस में और 4 कट में ये रेडी हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं सबको। तो सबसे पहले हम इसी को काट लेंगे इस तरीका से। मैं ये डेमो दिखा रहा हूँ इसलिए मैं इस पेपर पे आपको दिखाया हूँ, आपको तो गैस कटर से काटना है और देखना है बिल्कुल सीधा कटिंग करना है, गैस कटर का नोजल सीधा रखेंगे कटिंग करते समय बिल्कुल, और इस तरीका से हम कटिंग करते जाएंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि ये सब मिडिल पीस साइड पीस सब कुछ कटिंग होकर रेडी हो गया है। ये सब जो देख रहे हैं ये सब मिडिल पीस है, ये भी मिडिल पीस है और ये 2 साइड पीस है और 2 साइड पीस इसमें लगा हुआ है, जो बीच में एक आपका पाइप भी रहेगा, इधर साइड पीस है और एक इधर साइड पीस है और बीच में मिडिल पीस रहेगा और 2 साइड पीस ये है और बाकी सब मिडिल पीस रहेगा। तो इस तरीका से ये टोटल आपका कटिंग हो चुका है, अब इसको हम एक एक करके सबको ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड इधर जो माइटर बन रहा है उसका बॉटम पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं जो बॉटम मैं लिखा हूँ, और इधर जो माइटर जो बन रहा है इसका बॉटम यहाँ पे है। तो जब ये ऐसे लगेगा तो एक एल्बो इधर घूम जाएगा और एक एल्बो जो है इधर घूमेगा, देख सकते हैं ये जिधर बॉटम है इधर एक एल्बो घूमेगा और ये जिधर बॉटम है इधर एक एल्बो इधर घूमेगा। तो हम इसमें एक एक करके ये जो मिडिल पीस है पहले लगाएंगे क्योंकि एक साइड पीस लगा हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे ये जो बॉटम साइड है जितना भी बॉटम पॉइंट है सबको बॉटम पॉइंट वाले में हम इस तरीका से
मिला देंगे। याद रहे कि आपको सेंटर पंच बॉटम पॉइंट में रहना चाहिए ताकि पता चलेगा कि आपका बॉटम पॉइंट कौन सा है। तो देख सकते हैं इस पाइप का यहाँ पे बॉटम है, तो यहाँ पे इस तरीका से ये सब सेंटर पंच होना चाहिए आपका पहले से। तो इस तरीका से हम इसको मिला करके इसको हम चिपका देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन नहीं मिल रहा है। ये लाइन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये सब बराबर सेंटर लाइन नहीं मारा हूँ मैं, थोड़ा इधर उधर है इसीलिए ये लाइन मैच नहीं कर रहा है। अगर आप लाइन सही मारते हैं सेंटर लाइन, तो ये लाइन टू लाइन बराबर मिलेगा आपका इस तरीका से। तो देख सकते हैं एक ये मिडिल पीस लग गया इसमें। अब दूसरा एक और हम इसमें मिडिल पीस फिट करेंगे, तो इसमें भी उसी तरीका से जितना है ये बॉटम वाला सब लगाते जाना है ऐसे। तो इस तरीका से हम बॉटम बाय बॉटम, ये दोनों साइड सेम ही रहता है मिडिल पीस, आप किधर से भी लगा सकते हैं। और ऐसे हम पकड़ेंगे पहले बॉटम साइड में, एक एक लाइन छोड़ के हम टेप मारते जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा टेप लग जाएगा और टाइम भी लगेगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये दूसरा मिडिल पीस लग गया इस तरीका से। अब इसमें हम तीसरा मिडिल पीस फिट करेंगे इस तरीका से। एक में तीन मिडिल पीस रहेगा और दो साइड पीस आएगा, सेम वैसा ही मिलाते जाना है। टोटल बॉटम साइड वाला जितना रहेगा सब एक ही साथ मिला देना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसमें एक दो तीन चार, चार पीस लग चुका है। अब लास्ट वाला एक पांचवा यहाँ पे साइड पीस लगेगा जो इस तरीका का रहेगा आपका, आधा ही रहेगा। तो इसका भी हम ये बॉटम पॉइंट वाला लेंगे और देखेंगे जिधर डिग्री में कटा हुआ है, देखिए डिग्री वाला भाग जो रहेगा इसी में जॉइंट होगा। इस तरीका से हम लगाएंगे इसमें, इस तरीका से इसको भी हम चिपकाते जाएंगे एक एक करके। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये एक तरफ का पूरा माइटर जो है रेडी हो गया है इस तरीका से। ये बैंड जो है पूरा 90 डिग्री में बन चुका है इस तरीका से। इसका 90 भी आप चेक कर सकते हैं और देखेंगे कि ये बराबर ही आएगा आपका 90 और ये 90। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है माइटर में, और हमेशा अंदर साइड में थोड़ा 5 mm गैप दीजिए हर ज्वाइंट पर, और बाहर साइड में 4 mm अगर आर्गन वेल्डिंग मार रहे हैं। तो एक हो गया, और दूसरा हम इस तरफ अब एक एक जॉइंट को इसी तरीके से मिलाते जाएंगे यहाँ पे जो बनाना है। अब ये मिडिल पीस जो है यहाँ पे लगेगा इस तरीका से। यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉटम पॉइंट है, ये माइटर का ये बॉटम पॉइंट है, और ये बॉटम पॉइंट जा करके ये बॉटम बॉटम में मिलना चाहिए सब। तो उसी तरीका से हम इसको सबको लगा लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसमें एक मिडिल पीस लग गया, और इसी तरीका से हम इसमें एक और मिडिल पीस लगाएंगे।